आज हम कुत्ती कटिंग करने वाले हैं, ये 3 साल की बच्ची के लिए। मैं 2 कटिंग करके रखा हूँ पहले से, एक में हम बॉडी कट करेंगे, एक में बैक कट करेंगे, दोनों हम अलग अलग कटिंग करेंगे क्योंकि बॉडी हमारा करी है। ये कपड़ा है, इसमें हम गहरा कट करेंगे, फिर हम पहले बॉडी कट करते सॉरी पहले हम बैक कट करेंगे, इसके बाद हम बॉडी कट करेंगे क्योंकि बॉडी हमारा करी वाला है, इसके लिए उसमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत है। हमारा बॉडी कट बैग पहले हम कर रहे थे, बैग हमारा लंबाई है 11 इंच कट करेंगे, रेडी हमारा 10.5 इंच रहेगा। ये पहले हम 2 इंच गला का मार्जिन लेंगे, 2.5 इंच हम शोल्डर का मार्जिन लेंगे और 5.5 इंच हम हाथ का मार्जिन लेंगे। यहाँ से हमारा चेस्ट है 12.5 इंच लेंगे, यहाँ से हम 12 इंच लेंगे, इधर से हम पहले हम इसे लेकर सेटिंग करते हैं। नीचे से हमें यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है, हाथ के लिए हम थोड़ा सेफ ले लेंगे, इधर भी हम हल्का शोल्डर को हल्का डीप रखेंगे फ्रेंच, और हमारा बैग भी हम हल्का सा राउंड लेंगे इतना। ये हमारा इसमें हम कट करेंगे, इसी के ऊपर हम बॉडी कट करेंगे फ्रेंड्स। हम बॉडी में 1 इंच मार्जिन हम पहले हम यहाँ पे सेम मार्जिन कर देंगे ऐसा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें फ्रेंड्स इस तरह में फ्रेंड्स यहाँ से हमें हमारा एक कली है, इसमें एक कली रहेगा, ये डिजाइन हमारा। यहाँ से हम 1.25 इंच मार्जिन लेंगे जो हमारा दबाव में जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से हमें ये वाला हल्का सा ये सर लेंगे, यहाँ से हम मार्जिन करेंगे तो सेम हम जिस तरह कटिंग कर रहे सेम हम इसी तरह मार्जिन करेंगे। अब यहाँ से हम इधर कटिंग करेंगे, इधर और इधर कटिंग करेंगे, इधर कटिंग करते फ्रेंड्स ये हमारा इसका 9 इंच कटिंग करेंगे, 4 इंच हम रखेंगे, इधर 5 इंच रखेंगे, इधर से हमें हल्का सा दबाई लेना है, इधर से हमें हल्का सेफ लेना है, इसे हम कटिंग कर देंगे। हम फल करके कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम एक
इसका लगा लेंगे। इसके नीचे हम पट्टी लगाने वाले हैं डांसर में हल्का सा, के लिए हम यहाँ से हल्का गोलाई लेंगे। इधर जितना हम इधर है उतना हमें इधर रखना, 4.5 इंच हल्का सा और हमें देना है। हो गया फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से हम फिर लंबाई देंगे, इधर हमें इतना दबाव जाएगा, इतना हमें तैयार रहेगा, तो हम यहाँ से 4.5 इंच का हम देंगे। कटिंग कर लेते पहले। फ्रेंड्स ये सीन हमारा कट हो गया हल्का सा, और हम शेप ले लेंगे। कटिंग करके तैयार है हमारा फ्रेंड्स। चल फिर इसके बाद हम गहरा कटिंग कर लेंगे, पहले मार्जिन लेंगे इधर से हम 5 इंच, इधर से हम 2.5 इंच लेंगे, इधर से हम 8 इंच लेंगे। फिर फ्रेंड्स हम इधर से हल्का राउंड लेंगे थोड़ा, उसके बाद हम इधर से भी 8 इंच देंगे, इधर से भी 8 इंच देंगे, इधर से भी 8 इंच देंगे हम, इधर से भी 8 इंच। इसे हम निशान को मिला देंगे फिर राउंड, इसे हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। ये कटिंग हो गया हमारा, इधर से हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे, और इसमें हम नीचे वाला घेरा कट करेंगे। ये हम कटिंग करके निकाल देते हैं, फिर नीचे वाला घेरा हमारा हम इतना हमें बढ़ रहे हैं 3 इंच। इसलिए हम ऊपर में हमें सेम इसी तरह कटिंग करना है, नीचे हम कटिंग करते फ्रेंड्स। अब ये गले घेरे का जो डिजाइन है, हमें घेरा हमें कम ज़्यादा रखना है, इसे हम खोल फिर से कम ज़्यादा के डिजाइन देंगे हम। ये जो सेंटर है यहाँ से हमें लेना है, इसे भी उसे भी यहाँ से लेना, तो इसके लिए हमें घर से हमें पहले मार्जिन लेना है 5.5 इंच का। इधर से हमें हल्का हल्का सा करके इधर से हल्का सा मिलाना है, इसे हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स इधर देखना, इधर हमारा कितना है, इधर देखना 2.5 इंच ज़्यादा है, तो इधर भी हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद हम इसे ये वाला ये गैप हमें देखना है, इसी तरह हमें मिलाना है। फ्रेंड्स घर को इस तरह देख कम ही ज़्यादा, एक साइड में कम ज़्यादा रहेगा। चलो अभी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हम अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डोरी बनाने की जरूरत है, मैंने और एक पट्टी लिया हूँ 1.25 इंच का कटिंग किया, फिर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। एक दाग का हम सिलाई लगाएंगे, एक गुट के बराबर हमारा कपड़ा लेना चाहिए, इतना पतला में डोरी बनाना है।
इसी तरह ट्रॉली वाले अगर पहले सीधा रखा इस तरह बनाना है तो कम से कम हमें 2 इंच का कटिंग करना है, 2.25 इंच का, 2.5 इंच का कटिंग किया मैंने। अब इसे हम ये बॉडी के बीच वाले पार्ट में, ये हमारा कली है, हमारा कली जॉइंट रहेगा, तो इसमें हमें बॉडी अटैच करना है इस तरह। ये बॉडी हमें, ये पहले मैंने, ये हमारा गले के 3 इंच नीचे से हमें लेना है, बीच में एक दांत का हमें गैप रखना है इसी तरह में। और ये वाला हमें इसके सामने लगाना है, और ये वाला हमें फिर एक दांत का गैप रखना है। इसी तरह हम पूरा डोरी को लगाएंगे, ये वाला हमें पूरा अच्छे से हमें इसमें, ये वाला डोरी के बीच में हमें गैप नहीं रखना है, तो ये डोरी के बीच में हमें गैप रखना है। ये चीज़ आप ध्यान दें, फ्रेंड्स ये गैप जो आपको बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान दें। फ्रेंड्स इसी तरह हमें दोनों तरफ लगाना है। फ्रेंड्स देखिए दोनों तरफ हमारा डोरी लग गया है, ऐसे हम दोनों साइड इस तरह हम कली को जॉइंट करेंगे, तो हम कली इसे जॉइंट करते हैं। हम फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रहे कि गला और नीचे घेरे से चलने वाला शेप आप ध्यान रहे कौन सा है। एक दाब में हम कली को हम जॉइंट करते थे, तैयार है। इसी तरह हमें ये भी इधर जॉइंट करना है इस तरह। फ्रेंड्स देखिए दोनों कली हमारा जॉइंट हो गया है। अब इसमें हम इस कली के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे लब के ऊपर, इसी तरह हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स दोनों किनारे हम सिलाई लगा दिए, अब हम इसमें गला कटिंग करेंगे। गला है हमारा 2 इंच चौड़ाई है, 3.5 इंच हम गोलाई देंगे यहाँ से इस तरह हमें कटिंग करना है। फ्रेंड्स गला कट हो गया, इसमें हम 1.5 से 2 इंच का हम ओपन खोलेंगे। फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस तरह हमें सिलाई लगा कर ओपन खोलना है हमें। हम इसे हम कट करके इसमें हमें लब का सिलाई हम इस तरह कट करके लाएंगे। ये हमारा बॉडी तैयार है फ्रेंड्स, अब इसमें हम बैग अटैच करेंगे। ये बैग हमारा, इसमें हम इस तरह हमें बैग को सीधा और बॉडी को हमें उस साइड जब हमें कंधे अटैच करना है। ये मैंने अटैच कर लिया हूँ बैग भी,
इस तरह कुछ हमारा बैग बॉडी रेडी है। अब इसमें हम गला का नाप लेंगे और इस हिसाब से हम कॉलर कटिंग करेंगे। गला हमें इस तरह अच्छे से नापना है। गला है 7.5 इंच और फोल्ड में 14 इंच का हमें कॉलर कटिंग करना है। यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, इधर से भी हम 5 इंच लेंगे। ऐसे हम इंची टेप की मदद से हम सीधा कर लेंगे। पहले इधर भी हम 5 इंच लेंगे। इधर हमें फ्रेंड्स 3 इंच रख के हमें इधर से हमें फिर 1.5 इंच लेना है और इधर से हमें 1 इंच मार्जिन हम यहाँ छोड़ेंगे। इधर से हमें हल्का इस तरह लाई लेना है। इसके नीचे से हमें 1 इंच से हल्का कम हमें मार्जिन लेना है। गला हम नाप लेते हैं, गला कितना हमारा 7.5 इंच गला है। तो यहाँ से हमें हल्का सा इस तरह से राउंड लेना है। इसमें हम कटिंग करेंगे, तैयार है। अब इसमें हम कॉलर कटेज करेंगे, आधा इंच मार्जिन हमें रखे कपड़ा, तो कटिंग करके हम निकालेंगे। फ्रेंड्स अब हमें इस कॉलर को बनाना है। इस तरह कपड़ा मोड़ के हमें एक दाब में सिलाई लगाना। फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा दिया। अब दूसरे कपड़े में हम इसमें अटैच करेंगे। हमें इतना मार्जिन छोड़ देना है जितना हमारे कलर बॉडी में अटैच हो इतना। अब हम सिलाई लगाएंगे, अच्छे से आराम से घुमा कर लगाना है। फ्रेंड्स हमें बराबर सीधा सिलाई लगाना है कलर में। फ्रेंड्स तो हमारा कलर तैयार है। अब हम इसमें बॉडी में अटैच करेंगे। पहले हम सेंटर में एक चक्का लगा देंगे इस तरह से। एक हम इसमें भी लगा देंगे बैग में। फ्रेंड्स हमें उल्टा साइड से हमें कॉलर को चढ़ाना अटैच करना है। जैसे हमें बराबर लेना है, बाहर निकाल के नहीं लेना ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक दाब के बाद कॉलर को चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह हमें पूरा लगाना है। इधर हमें पूरा लगाना है, अदर दूसरी को बन करिए। फ्रेंड हमें इस तरह पलट के हमें कॉलर में हमें इस तरह किनारी सिलाई लगाना है। ये किनारे फ्रेंड हमें फ्रेंड्स ये कॉलर हमारे रेडी है। अब इसमें हम आस्तीन अटैच करेंगे। पहले हम आस्तीन को बना लेते हैं। पहले हम आस्तीन को इसमें हम गोल हम पहले अटैच करेंगे। अगर आस्तीन बड़ा होगा हल्का हम दोनों तरफ बाहर करके चला सकते।
इसमें हमें एक हेड दाब के हमें मोड़ लेना है, एक दाब के बराबर हमें दूसरा भी हमें इसी तरह मोड़ना है। हमारा रेडी है, अब हम इसमें पीस में अटैच करेंगे। देखिए हल्का समय में अस्तिन को बाहर कर लगाएंगे, एक दाब के मार्जिन में आपको लगाना है। इसी तरह हमें दोनों साइड अटैच करना है अस्तिन। फ्रेंड्स ये हमारा बॉडी तैयार है, अब हम एक साइड में हम जॉइंट करेंगे। पहले इस तरह साइड लगाएंगे, फिर जॉइंट टू जॉइंट हमें बराबर मिलाना है इस तरह। फ्रेंड्स दोनों तरफ हम साइड लगा लिया, ये अब बॉडी हमारा पूरी तरह बनकर तैयार है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बॉडी तैयार है फ्रेंड्स हमारा। अब हम घेरा भी रेडी करेंगे, हम बहुत अच्छा पीस है। ये हमारा घेरा है, ये दोनों हम इधर लंबाई हम ज़्यादा है इधर हम ज्वाइंट करेंगे, दोनों एक ही जैसा करेंगे, और इधर कम है इधर हम बाद में करेंगे। देखिए हम पहले बड़े वाला जॉइंट करते, फिर इसी वाला हम इसी तरह में दूसरा वाला भी जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद पहले हमें एक गोलाई में है जो है उसमें हमें पहले चिपका लेना है दोनों घेरा। इसके बाद फ्रेंड ये जॉइंट जॉइंट हमारा मिलना चाहिए। फ्रेंड्स अब हमें दूसरे साइड भी हमें जॉइंट करना है, ये हमें ये वाला और ये हमें अलग अलग ज्वाइंट करना है, ये आपको ध्यान रहे। ज्वाइंट करते हैं हम आधा इंच सिलाई मारने के बाद हम ये वाला अंदर वाला साइड कर देंगे, ऊपर वाला भी साइड कर देंगे। इस तरह में ज्वाइंट करना, ये वाला भी हमें इस तरह अंदर वाला बाहर करेंगे, इसको भी बाहर करेंगे, अंदर वाला हमें बीच वाला हमें फिर अंदर करना है। इस तरह सिलाई लगा देंगे इधर भी। फ्रेंड्स ये हमारा घेरा तैयार है, आज में हम बॉडी आप अटैच करेंगे। फ्रेंड्स ये जॉइंट और ये जॉइंट हमें इस तरह मिलाकर सिलाई लगाना है आधे इंच में। फ्रेंड्स हमें इस तरह फिर हम सिलाई मार के हमें मिला के हमें देख लेना है कि हमारा जॉइंट मिल रहा है। हमारा जॉइंट मिल जा रहा है, इससे हमें आराम से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दोनों तरफ घेरे को अटैच करना है बॉडी में। तैयार है हमारा कुर्ती, इसमें हम अब तरह हम मोती का काम कराएंगे इस तरह। ये इसके बराबर हमें रहेगा,
दोनों साइड रहेगा। इसमें हम जो धागा निकल रहे हैं इसमें हम पिवोट का काम कराएंगे। और फ्रेंड्स हम आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है, इसमें हम पिवोट का काम कराएंगे धागा धागे। ये जो खुचरा निकल रहा है ये निकल रहे हैं जैसे हम। फ्रेंड्स हमारा पीस तैयार होने के बाद कुछ इस तरह रहेगा। देखिए मैंने इसमें पिकोट का काम करा है घेरे में। देखिए घेरा कम ज़्यादा है। उसके बाद मैंने मोती का काम करा है यहाँ पे। और अस्तिन में मैंने पिको का काम करा है, देख रहे हो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।